भैया सर की गर्लफ्रेंड है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे गोस्वामी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, बहुत टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी इस चैनल पे। कुछ वीडियो आ रही थी जो कि मेरे खुद के कंटेंट नहीं थे, वो कॉपीराइट कंटेंट है, किसी और की वीडियोस में इस चैनल पे अपलोड कर रहा था। इसका मेन रीज़न क्या था कि मैं यूट्यूब की तरफ से थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मेरे कुछ चैनल डिलीट हो गए थे और थोड़ा बहुत मेरा पेमेंट जो था अटक गया था। सो अभी भी वो सब कुछ लॉस में गया, बट इसलिए मैं थोड़ा यूट्यूब से डीमोटिवेट हो गया था, मैंने काम करना बंद कर दिया। बट अब इसके बाद मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट लेके आते रहूँगा, ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहूँगा। सो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि कल था 24 नवंबर और कल था संडे, और मैं कल गया था योगी जी के मीटअप में जो कि दिल्ली के सेंट्रल पार्क सीपी में था, और वहाँ पर टेक्निकल इसरार और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आए थे जो कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। सो उनसे मैं मिला और उन लोगों के साथ फोटो वोटो खिंचाई, बस वीडियो तो मैं थोड़ी बहुत ही रिकॉर्ड कर पाया, और किसी का मैंने वैसे ज़्यादातर किसी भी यूट्यूबर से वीडियो में बात नहीं कर पाया, क्योंकि अभी मैं थोड़ा यूट्यूब से दूर हूँ तो थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे। सो बेसिकली ज़्यादातर जो भी था मैंने उनसे अपने प्रश्न में वैसे बात करी और फोटो वोटो ली। सो आप फोटो वोटो देख लीजिए और थोड़ी बहुत वीडियोस देख लीजिए जो कि टेक्निकली होगी, और इसरार सर के उसमें क्राउड कितना आया था वहाँ पे मीटअप में। तो जैसा कि देख लीजिए, जो भी है, अगर अजय भैया कुलटेक भाई जैसे अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, सारे क्रिएटर को सपोर्ट करेंगे ना, तो एक दिन सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो एक बात बताओ, देखो कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपकी वीडियो देखता है ना, बड़ा छोटा वैसे होता नहीं, जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं, कोई भी आपकी वीडियो देखता है ना, आपके पे कमेंट भी करता है, तो आपको अंदर से अलग सा फील होता है कि हाँ यार इसने मेरी वीडियो देखी, इसने मेरा चैनल को देखा, लाइक करा वीडियो देखा, तो चैनल चेक मैं जब ही करता हूँ। देखो चैनल मैं चेक क्यों करता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिले, लोगों को थोड़ा पता चले कि गलतियाँ क्या कर रहे हैं, और देखिए यहाँ गलतियाँ पता नहीं चलेगी तो आगे नहीं बढ़ेगा। नरवाना जींद का थड़ीसार फतेहबाद गुड़गांव सिरसा जितने यूट्यूबर है नी, 90% जो यूट्यूबर बनाए हैं तारा भाई का योगदान है भाई, छाती चोड़ी करका कहूँ, और सारे भाई ने सपोर्ट करूँ भाई, सारे भाई ने सपोर्ट करूँ, कई यहाँ में नहीं है। यूट्यूब का फंक्शन था 5-star होटल मैरो सिटी में, सारे न्यू थे, जो सोचे थे एड में सड़ी है, जिंदगी में कुछ नहीं भी, और टेम है तो इस भाई के एक वीडियो वायरल हो जाए, रानू मंडल वायरल हुई थी, लेकिन जो टैलेंट है वो वायरल हो गया, एकदम टेम लगेगा, लेकिन उसको संभाले रखना बड़ा औखा है। स्टारडम एक आनी जानी चीज है, आज किसोगी वायरल होगी, कल ना किसोगी वायरल होगी, लेकिन उसको संभाल के रखना, कंटिन्यूटी में चलना, भाईचारा बना के रखना, इंसानियत को जिंदा रखना, वो बहुत बड़ी बात है भाई। अपना घर सारे बसावा भी हो, जो स्वाद जो दावा जो दूसरा घर बसा के दिखाओगे, सबसे बड़ी बात यार, बाकी किसी ने कुछ पूछना पूछ लो, मतलब अरे एक बात है, जड़ा मैं गया हूँ नहीं गनखरे वाल, कहीं जिंदगी बना के आया हूँ, और कई नु कह रहा क्या करे गा, वहां जिंदगी बनाए करूँ। दुनिया के अंदर 30% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 10 या 15 सेकंड की वीडियो देखा है, और टिकटॉक का मालिक बहुत जबरदस्त दिमाग ले रहा था, 10-15 सेकंड का सौदा बना दिया, और यूट्यूब का सारा सौदा टिकटॉक में। ओ नेम मिल गया, फेम मिल गया, सोचिया सी जो सेम मिल गया, कईयां कोलों मिले क्रेडिट, कईयां कोलों ब्लेम मिल गया, मैं तुरिया जावां जी देते ओ वाट रड़कदी रहंदी है, बाकी सब कुछ मिल गया हाण दी है, तेरी काट रड़कदी रहंदी है, सब कुछ मिल गया। तो यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आया था, और सबसे बड़ी मोटिवेशन बात कि जो मैंने वहाँ पे कल देखा कि यार मैं मतलब अपने YouTube के करियर से हार मान चुका था, मैं छोड़ने की सोच रहा था, मैंने सोचा था कि अब मैं वीडियोस नहीं डालूंगा अपनी खुद की। सो बेसिकली इससे पहले की वीडियोस आप मेरे इस चैनल पे खुद देख सकते हैं किस तरह का मेरा कंटेंट है, वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस किसी और की उठा के डाल दी, मतलब एकदम मैं चैनल की बैंड बजने वाली थी। बट जब मैं कल वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे कल ऐसे ऐसे यूट्यूबर देखे, तो यार हम तो अभी जो भी है यंग जनरेशन है, लेकिन वहाँ पे मैंने कल मीटअप में एक चीज़ नोटिस की और जिसने मेरे को मतलब आज दोबारा इस वीडियो को बनाने पर मजबूर किया। सो वहाँ पर मैंने बेसिकली देखा कि हरियाणा साइड से कुछ ऐसे पत्रकार थे जो आए थे, सुबह एक मोबाइल और एक ट्राइपॉड और एक खाली माइक लेके वीडियोस बना रहे थे, और उनकी एज अगर मैं आपको बताऊँ तो किसी की 50-60, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल ऐसे थे। और सबसे मोटी
चीज़ जो मेरे को मतलब यार वो लगा, इंडिया में मैंने बहुत कम ऐसे देखे थे जो ब्लॉगर हैं, तो देखे थे मतलब लेडीज़ यानी सॉरी फीमेल जो ब्लॉगर हैं वो बहुत कम देखे थे, लेकिन कल जब मैं योगी जी के मीटअप में गया मतलब यार पूछो मत, वहाँ से मेरे अंदर इतनी एनर्जी जनरेट हो गई। वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लेडीज़ देखी और ऐसे ऐसे यूट्यूबर देखे जो कि मतलब ओल्ड एज के हैं, उनके अंदर ऐसी एनर्जी आज भी। सो यार मैंने कहा अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो यार उन्हीं को देख के मेरे अंदर भी एक एनर्जी जनरेट हुई। मैंने मतलब इससे पहले कभी नहीं देखे थे इतने फीमेल यूट्यूबर जो कि मतलब उस एज में, जैसे कि मान लीजिए यार हम 10 15 16 17 18 साल के हैं, सो हमें अभी भी शर्म आ रही है वीडियो बनाने में कभी कभी, लेकिन मैंने वहाँ पे कल 40 40 50 50 साल 30 30 साल की लेडीज है जो कि जिनकी मैरिड है, अपने बच्चों को लेकर आई थी और यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बना रही थी। तो बेसिकली आज मैंने उनका चैनल आया ऑफिस में आके अपना चेक किया और देखा, मैंने कहा जो यार वो लेडीज़ आई थी उनका चैनल कैसा है यार। उनके भी मैंने देखे 1000 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर, 800 सब्सक्राइबर, किसी के 100 भी पूरे नहीं हुए। तो यार अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यही चीज़ मैं अपने मन में सोच के आया और मैंने देखा मतलब उनको देख के मेरे अंदर में एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली पावर एनर्जी जनरेट हो गई थी जो कि मतलब काम करने के प्रति। मैंने सोचा क्यों ना कि मैं अब रेगुलर वीडियोस डालूंगा और खुद का कंटेंट डालूंगा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यही सोच के मैं अब दोबारा इस चैनल पर वापस आया और आपको मैं अपना जेन्युइन रेगुलर कंटेंट दूंगा। तो फिलहाल आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था यार कि मतलब इससे पहले मैंने YouTube क्यों छोड़ा और मैं अब YouTube में वापस आ रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यूँ ही सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और कोई भी सवाल जवाब हो कमेंट करते रहिए। अगर कोई भी गलती होती है हमें से, कहीं भी कहीं कुछ दिक्कत आ जाती है वीडियोस में, तो आप वो भी हमारे साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं नीचे कमेंट में। बाकी आप हमारे अन्य सोशल साइट हैंडल पर जा सकते हैं, वहाँ से भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद।